मैं हरियाणा के रेवाड़ी ज़िले से आता हूं और कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता के रूप में अपने जीवन को व्यतीत करता हूं। मैं कह सकता हूं कि पिछले 22 वर्षों के जीवन में, राजनीतिक जीवन में, एक गैर राजनीतिक परिवार से आने के बावजूद कांग्रेस पार्टी में बहुत सारे अवसर हमें मिले अपनी बात रखने के, लोगों के मुद्दों को उठाने के। जब माननीय राहुल गांधी जी उस समय जिनको भी नियुक्त करते थे तो स्वयं फ़ोन करते थे, तो मुझे आज भी वो दिन याद है जब माननीय राहुल गांधी जी का फ़ोन आया था और उन्होंने कहा कि आपको हरियाणा NSUI का अध्यक्ष बनाया जाता है। इस यात्रा को लेके एक अलग सा मन में उत्साह था कि देश के इतिहास की ये आने वाले समय में सबसे बड़ी यात्रा कहलाएगी। दिन प्रतिदिन जब यात्रा आगे बढ़ रही है तो युवाओं का जो जोश है वो इस यात्रा के प्रति बढ़ रहा है, तो माननीय राहुल गांधी जी के प्रति प्रेम जो है वो दिखाई दे रहा है। तो अलग अलग प्रदेशों के लोगों से मिलना, उनकी समस्याओं को जानना, उनके जीवन को जानना, ये अपने आप में एक ऐतिहासिक है और मैं समझता हूँ कि हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमें इस भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा बनने का अवसर मिला। ये यात्रा लोगों के अंदर प्यार, शांति और सद्भाव के जिस उद्देश्य को लेके चली थी उस उद्देश्य में सफल होती हुई दिखाई दे रही है। हमारे नेता का संकल्प बड़ा है और हम सब का संकल्प बड़ा है, तो ये छोटी छोटी बाधाएं, शारीरिक बाधाएं हों, पैरों में दर्द हो, छाले हों, ये हमारे बीच में बाधा नहीं बनेंगे। हम अपने संकल्प को पूरा करेंगे और कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ेंगे।